टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था मीनिंग, टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो अगर आपने वो वाली वीडियो को पहले नहीं देखा तो प्लीज़ आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। प्लस आप वो वाली वीडियोज़ को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। इम्पॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट है कॉरेस्पॉन्ड टू अ बेसिक ह्यूमन नीड। अब देखिए, कहते हैं कि आपका जो बिजनेस एथिक है वो आपकी ह्यूमन बींग्स की जो बेसिक नीड होती है उसको हेल्प करने में काफ़ी, उसको पाने में कहते हैं काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे बेसिक नीड क्या है? द बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बींग इज दैट दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच दे कैन रिस्पेक्ट एंड बी प्राउड ऑफ। कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहते हैं जहाँ पे वो उनको रिस्पेक्ट मिल सके प्लस उनको प्राउड फील भी हो सके। एवरीबडी लाइक्स टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पेक्टेड बाय सोसाइटी एज ऑनेस्ट एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल। कि हर कोई चाहता है कि वो ऐसी संस्था के साथ संबंध रखे और यू कैन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने जो कि सोसाइटी में एक काफ़ी उसकी रिस्पेक्ट हो प्लस वो काफ़ी सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हो। बेसिक नीड तो हमने देख ली, उसके बाद देखते हैं कि जो ये जो बेसिक नीड है कैसे फुलफ़िल होती है प्लस कौन फुलफ़िल करता है। तो जो HR के मैनेजर्स होते हैं ये फुलफ़िल करते हैं बेसिक नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ की एज वेल एज देयर ओन बेसिक नीड। यानी कैसे फुलफ़िल करते हैं? दैट दे वॉन्ट टू डायरेक्ट एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहले एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक बनाते हैं, देन वहाँ पर जो भी नीड्स होती हैं एम्प्लॉयज़ की प्लस आपके ह्यूमन बींग्स की वो सभी को फुलफ़िल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है पॉजिटिव पब्लिक इमेज। कि अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी कहते हैं उसमें बिजनेस एथिक फॉलो होते हैं, काफ़ी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है, देन आपकी पब्लिक में काफ़ी पॉजिटिव इमेज बनती है। जैसे कि यहाँ लिखा है इन्होंने, पीपल विल लाइक टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ एन कंपनी इफ़ दे बिलीव द कंपनी इज ऑनेस्ट एंड इज ऑफरिंग वैल्यू फॉर मनी। कहते हैं कि जो आपके लोग होते हैं वो भी वहीं से ही सामान लेना पसंद करते हैं जहाँ से उनको लगता है कि वो जो कंपनी है या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी है, प्लस वो उसके जो भी डीलिंग्स है वो भी प्रॉपर होती हैं। इट मीन्स कोई भी फ्रॉड कमिट नहीं करती, वो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं चार्ज करते। सो द पब्लिक इशू ऑफ सर्च कंपनीज आर बाउंड टू बी सक्सेस। कि इसी तरीके से अगर कोई भी कंपनी अपने एथिकल रूल को फॉलो करती है तो वो एक अपनी सोसाइटी में काफ़ी अच्छी इमेज को क्रिएट कर सकती है। थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। कि अगर आपके बिजनेस में एक काफ़ी अच्छे तरीके से एथिक फॉलो होते हैं देन आपके जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पता है कि मुझे ये काम करना है, ये मेरे लिए सही है, ये गलत है। तो उसी के अकॉर्डिंग कहते हैं आपके जो एम्प्लॉयर और आपके जो एम्प्लॉई है दोनों के जो रिलेशनशिप होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे कि लास्ट में लिखा है, मॉरल वैल्यू कैन विन द कॉन्फिडेंस ऑफ एन एम्प्लॉयर मोर देन एनी अदर इंसेंटिव प्लान्स। कि अगर आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो अच्छी हैं देन उसी से आप अपने एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्फिडेंस है उसे जीत सकते हैं रैदर देन कोई भी इंसेंटिव प्लान की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग विल बी बेटर इफ़ द डिसीजन आर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पब्लिक एम्प्लॉय एंड अ कंपनीज ऑन लॉन्ग टर्म गुड। कि अगर कहते हैं जो भी डिसीजन है वो आपके तभी अच्छे होंगे जब आपके डिसीजन किसके इंटरेस्ट में हो, पब्लिक के इंटरेस्ट में, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में एंड कंपनी के खुद के इंटरेस्ट में हो। तो आपका जो एथिकल होता है, आपका जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये आपको हेल्प करती है कि आप सभी को सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। एथिकल डज नॉट मीन टू वर्क विदाउट प्रॉफिट। एथिकल मतलब ये नहीं होता कि आपने प्रॉफिट के बिना ही काम करना है। एथिकल कंपनीज आर बाउंड टू बी प्रॉस्पर्स इन अ लॉन्ग टर्म सो इन शॉर्ट टर्म दे कैन फेस लॉसेस। कि अगर हम बात करें अपनी एथिकल कंपनीज की तो वो लॉन्ग टर्म में कहते काफ़ी सक्सेसफुल होंगी, काफ़ी उनको उनके पास प्रॉफिट होगा। बट उसी अगर उन्हीं कंपनी की बात करें अपनी शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट टर्म में कहते वो मे बी सम काइंड लॉसेस फाइंड कर सकती हैं। जैसे कि लॉसेस क्या होगा कि अगर आपने कोई प्रोडक्शन करनी है देन आपको प्रोडक्शन इस अकॉर्डिंग करनी होगी कि आप कोई भी जो पोल्यूशन होते हैं उसको ना जनरेट करें, प्लस आपके वो जो प्रोडक्शन है उसका कोई भी रॉन्ग इम्पैक्ट किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉई या किसी भी पर्टिकुलर पब्लिक को ना हो। तो जब भी आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देन आपको सभी चीज़ों में ध्यान रखना होता है। एंड अगर आपने सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी प्रोडक्शन की है देन अल्टीमेट आपकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी सक्सेसफुल होती है एंड आप लॉन्ग टर्म में आपकी जो सक्सेस है वो कन्फर्म होती है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस टू लो अटेंशन टू एथिकल इंश्योर एथिकल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन दी वर्क प्लेस। इट इज़ फार बेटर टू इनकर द कॉस्ट ऑफ मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट एथिकल प्रैक्टिस नाउ
रैदर देन टू इनकर द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन लेटर। सिंपल इसमें क्या बोला है आपको कि अगर आपने कहते हैं अपनी स्टार्टिंग में ही अगर आपने कॉस्ट ऑफ मैकेनिज्म को लगाया, इट मींस कि अगर आप अपने प्रॉपर जो भी आपका मैकेनिज्म है, प्रॉपर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने अच्छे से एथिकल प्रैक्टिस को समझाया है, आपने अच्छे से अपनी एथिकल जो होती हैं पॉलिसीज, जो प्रैक्टिस होती हैं, उन सभी को कहते हैं इंप्लीमेंट किया है, देन आपको कहते हैं वो जो स्टार्टिंग वाला खर्चा है वो कम होगा, रैदर देन कि उसके बाद अगर आपके पास कोई भी मुकदमा होता है आपके ऊपर, या आपके ऊपर कोई भी इलीगल एक्टिविटी का कोई केस चार्ज होता है, देन उसके बेनिफिट के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहते हैं अभी स्टार्टिंग से ही जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तभी कहते हैं आपको अपना जो बिजनेस है वो लीगल रखना होगा। अगर आपका स्टार्टिंग से ही बिजनेस लीगल होगा देन आपको फ्यूचर में कोई भी जो है अनएथिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिगार्डिंग लॉ एंड रूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन क्वालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। एथिकल प्रैक्टिस हेल्प्स इन अ फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी प्लान एंड मैनेजिंग डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। की जो आपकी एथिकल प्रैक्टिस होती हैं वो आपको स्ट्रेटजी और प्लान बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, प्लस उसी के साथ ही आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस हैं, कोई भी तरह की डाइवर्सिटी है, तो उसको मैनेज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। दिस एफर्ट, अब देखिए ये जो हमने एफर्ट लगाए हैं इस एफर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इट इंक्लूड रिकॉर्डिंग द वैल्यूज, डिवेलपिंग पॉलिसी एंड प्रोसेस टू अलाइन द बिहेवियर विद द प्रेफर्ड वैल्यू, देन ट्रेनिंग ऑल द पर्सनल अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोसेस। कि सबसे पहले आपने अपनी जो वैल्यूज होती हैं उसको रिकॉर्ड करना है, अपनी पॉलिसीज अपने प्रोसेस को एकदम अच्छे से डिवेलप करना है, सो दैट कि वो जो अपने प्रेफर की हैं वैल्यूज उनको उनके साथ वो मैच कर सकें। एंड उसके बाद अगर आपने अपने स्टैंडर्ड और अपनी पॉलिसीज को सेट कर दिए हैं, देन उसके बाद जो भी आपके अलग अलग पर्सनल्स होते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी सो दैट वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर सके। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो क्वालिटी है मैनेजमेंट की वो भी इंक्रीज़ होगी, प्लस आपकी जो प्लानिंग है वो भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्ट्रेटेजिक वे से होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर लॉ फेल्स एंड एथिकल सक्सीड। गवर्नमेंट कैन नॉट ऑलवेज रेगुलेट ऑल द इवेंट विच आर हार्मफुल टू पब्लिक विदाउट द हेल्प एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पब्लिक एट अ लार्ज। कि जो गवर्नमेंट है कहते हैं वो हर टाइम पे हमें नहीं ये बता सकते कि हमारे लिए या पब्लिक के लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। वो तभी पॉसिबल होगा जब कहते जो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग जो हैं आपके इम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग जो भी आपके पीपल्स होते हैं, वो जब गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करें, गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी में कहते इन्वॉल्व ना हो। दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द एथिकल अप्रोच। एंड ये तभी पॉसिबल होगा जब कहते हैं आप अपने बिजनेस में, अपने जो है संस्था है उसमें कहते हैं एथिकल अप्रोच रखेंगे, सो दैट पीपल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके एंड आपके जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो अभी जितने भी एरियाज हैं उन सभी में स्प्रेड हो सके। लास्ट है, ओवरऑल बेनिफिट ऑफ एन एथिकल प्रोग्राम। मैनेजिंग एथिकल वैल्यू इन द वर्कशॉप लीड्स द मैनेजेरियल एक्शन टुवर्ड स्ट्रेंथनिंग द रिलेशन एज वेल एज इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो आपकी एथिकल वैल्यूज़ को अगर आप मैनेज करते हैं अपने वर्क प्लेस में, देन वहाँ से क्या होता है कि आपके जो मैनेजरियल एक्शंस होते हैं, जो आपकी मैनेजर अपने एक्शन परफॉर्म करता है, वो कहते हैं उसमें उसको क्या हेल्प मिलेगी, वो कहते हैं अपनी जितने भी रिलेशन होते हैं उसको स्ट्रेंथ करता है, प्लस उसी के साथ ही उसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंस के पॉइंट। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड इफ़ यू वॉन्ट कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, देन प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।